नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पिंकेश अकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जो फाइट चल रही है उसमें आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सभी नागरिकों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को और ख़ासकर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोगों को जो इस कोरोना वायरस के खिलाफ एक बहुत अच्छी तरह से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं मानवता के लिए। दोस्तों, मार्केट्स जो है उसका हाल किसी से छुपा नहीं है। काफ़ी हमने मार्केट्स के अंदर में डाउनफॉल आते हुए देखा है, क्रैशेस आते हुए देखे हैं, लोअर सर्किट आते हुए देखे हैं। और हमें ये भी पता है कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है बल्कि पूरे विश्व के बाज़ार के साथ में हो रहा है और यहाँ से रिसेशन भी आ सकता है और यहाँ से जो है कई सारी आर्थिक दिक्कतों का सामना हमें अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर में भी करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि शायद आने वाला समय इतना अच्छा ना हो, लेकिन अगर जिस प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं उसके सॉल्यूशंस आ जाते हैं तो यहाँ से रिकवरी का पाथ जो है बहुत ही तेज़ी से आने की उम्मीद है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि जब लोग पैनिक होते हैं उस समय निवेश करना चाहिए और जब लोग ग्रीड में होते हैं तो उस समय सेलिंग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात देश के अंदर में और विश्व के अंदर में बने हुए हैं, जैसे हालात है उससे ज़्यादा पैनिक शेयर मार्केट के अंदर में, कैपिटल मार्केट्स के अंदर में दिख रहा है। और ऐसे में कई समय से अलग अलग टाइप की खबरें आ रही है, कुछ रूमर्स आ रहे हैं तो कुछ जुनाइन बातें भी सामने आ रही है। तो ऐसे में जो है कई लोगों का इंटरेस्ट अभी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ गया है कि वो कुछ ऐसे स्टॉक्स के अंदर में पैसा डाले जिनका बिजनेस अच्छा हो, जिसके मैनेजमेंट अच्छे हो, जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो और ताकि वो उनको अच्छा खासा रिटर्न दे सके, गिवन कि अगर मार्केट में अच्छी तरह से उछाल आता है तो। और ऐसे हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने पूछा भी था कि सर आप कुछ 5-10 स्टॉक ऐसे बता दीजिए जो बहुत अच्छे हैं, जहां पर अभी पैसा डालना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मेरे पसंदीदा 5 स्टॉक के बारे में बताऊंगा। आपको अपना एनालिसिस करना ज़रूरी रहेगा इसमें निवेश करने से पहले। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डाइवर्सिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। आप एक ही स्टॉक में पूरा पैसा मत डालिए। सेकेंड चीज़, मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, ये भी सजेशन दूंगा कि आप लमसम पैसा बिल्कुल भी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। हो सकता है कि इससे ज़्यादा और गिरावट आ सकती है और हो सकता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहे आने वाले कुछ समय के लिए, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि आगे बहुत ही जल्दी पॉजिटिविटी मार्केट के अंदर में आ जाएगी। कोरोना वायरस आने वाला था, इसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता था और जिस तरह की सिचुएशन मार्केट्स की हुई, और अगर लास्ट ट्रेडिंग डे की हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमको रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ऐसे में हमको पॉजिटिव उम्मीदें ज़रूर लगानी चाहिए और जिस तरह से हमारे देश के सभी नागरिकों ने, हमारे देश की सभी सरकारों ने जिस तरह के प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वायरस का प्रकोप सबसे कम भारत में ही देखने को मिले। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मैं आपको देर नहीं करवाऊंगा और मैं अपने पसंदीदा 5 स्टॉक्स जो है आपके सामने रख रहा हूँ विथ रीजन्स, और मैं इसमें अपनी थोड़ी कॉमेंट्स भी दूंगा। और जो लेवल्स मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत ही वाजिब लेवल है, उस लेवल्स पे आपको लेना चाहिए, तो आपको इंतजार नहीं करना चाहिए। तो मंडे को आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट इन शेयर्स में, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या फिर अमाउंट्स होंगे, आप बड़े निवेशक या फिर छोटे निवेशक होंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर डालने चाहिए। अगर इसके रिस्पेक्ट में आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट में कर सकते हैं या फिर मेरी चॉइस जैसी आपको लग रही है, अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, वो भी आप कॉमेंट के अंदर में जरूर कर सकते हैं। मैं आपसे बस यही उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स अभी 6000 का मार्क क्रॉस कर चुके हैं तो मुझे चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी 10,000 तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा, वो रहेगा TCS। TCS लास्ट क्वार्टर आप रिजल्ट्स इनका देखेंगे तो इनका जो सेक्टर है लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर, वहाँ पर इन्होंने 17% का ग्रोथ दिखाया था। और दोस्तों, जो करंट सिनेरियोस चल रहे हैं उसके हिसाब से ये सेक्टर के अंदर में और ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी वाले हालात के अंदर में सबसे ज़्यादा लोग किस में खर्च करेंगे तो आपको पता है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों में और साइंस, लाइफ साइंसेस रिलेटेड वाली चीज़ों में। तो यहाँ पर TCS को जो है बहुत अच्छा मुनाफा होने की जो है चांसेस है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर आप इनका शेयर प्राइस देखेंगे तो अभी अवेलेबल है 1797 रुपीज़ पर और इसका हाई गया था 2200 के पार। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको IT सेक्टर में, वैसे भी हमको मार्केट लीडर्स को चॉइस करना चाहिए, तो
लिस्टेड स्पेस के अंदर में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास में हो सकता है। आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी संख्या जो है अगर आपके पास में ऑलरेडी TCS है तो उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मेरा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोस्तों HDFC बैंक नहीं कह रहा हूँ, हालांकि वो भी अच्छा स्टॉक है, कोई डाउट नहीं है मेरे को, लेकिन HDFC कह रहा हूँ। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर में उन्होंने गृह फाइनेंस से जो प्रॉफिट बुक किया था 9000 करोड़ रुपए का, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस भी उसमें कवर कर लिए थे और फाइनली वो प्रॉफिट्स के अंदर में थे। दोस्तों अगर आप उनका Q3 FY20 का रिजल्ट देखेंगे तो उनका प्रोविजन कहाँ 100-150 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर सेम ईयर के अंदर में हुआ करता था, यानी 2019 के अंदर में, वहाँ पर उन्होंने प्रोविजंस को बहुत ज़्यादा जम करवाया क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला बेस अवेलेबल था। तो दोस्तों यहां पर लगता है कि इन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस कवर कर लिए, तो Q4 इनका कंफर्टेबली अच्छे सिचुएशन में जा सकता है। तो यहां पर आपको जो है HDFC का मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, सजेशन रहेगा कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। वैसे अभी इसका प्राइस देखो तो 1753 रुपीज का है और आप देख सकते हैं कि एक महीने के अंदर में ये 25% नेगेटिव गया है। रीजंस तो आप सब लोगों को पता है और इसका हाई अराउंड 2400 के करीब करीब गया है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिगनर है तो ये दो स्टॉक्स जो मैंने कहे तो ये तो आपको ऐड करने ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में। दोस्तों तीसरा स्टॉक मैं बताऊंगा जो मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, बिकॉज इस कंपनी के रिस्पेक्ट में मैंने बजाज फाइनेंस के रिस्पेक्ट में एक फंडामेंटल वीडियो एनालिसिस शेयर किया था आपके साथ में। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बोलूंगा थोड़ा और डाइवर्सिफाई हो जाइए स्टॉक के रिस्पेक्ट में। तो बजाज फिनसर्व जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि 46% होल्ड करती है बजाज फाइनेंस के अंदर में, वो मेरा चॉइस रहेगा। वाई, उसके रीजन से मेरे पास में 10,000 रुपये तक ये शेयर पहुंचा था 9950 और वहां पर अभी आपको ये शेयर अवेलेबल है 6233 के अंदर में। लोग इसको 10,000 रुपये पर भी खरीदने को तैयार थे, इतना प्रीमियम पर ये चल रहा था, उसके बावजूद भी इसमें खरीदारी चल रही थी। तो अभी हम देखेंगे लगभग 35% से ज़्यादा ये करेक्ट हो चुका है और यहां पर आप पाएंगे कि ये बजाज फाइनेंस में अपनी होल्डिंग लगती है, साथ ही साथ दो और कंपनियों में अपनी होल्डिंग लगती है, यानी कि बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अंदर में। तो जब वैल्यू अनलॉकिंग होगा, मान लीजिए अगर इनका लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस लिस्ट होता है तो काफी अच्छे मुनाफे के अंदर में बजाज फिनसर्व रहेगी। वैसे भी ये काफी अच्छी तरह से क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स करते हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इनके पास में जो व्यवस्था जो नेटवर्क बना है ये बहुत ही अनमैच्ड है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर जो है काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरी मैं बात करूंगा, ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और काफ़ी लोगों का ये फेवरेट स्टॉक है। डीमार्ट की बात करते हैं जिसकी कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्केट्स और ये कंपनी जो है अभी आपको मिल रही है 1916 रुपीज़ में। तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक सेल हुआ था करीबन 2100 के आसपास, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर आप देख लीजिएगा कहीं पर आपको एग्जैक्ट फिगर पता है तो उससे भी कम रेट पर ये अवेलेबल है। अगर हम इसके हाई देखें तो लगभग 2500 करीब करीब ये गया था, तो यहाँ पर ये आपको अच्छे रेट में यहां पर उपलब्ध है। शायद ये रेट जो है इसके बाद में आपको ना मिले, तो मुझे लगता है कि इसको आपको अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालना चाहिए। काफी जो है अच्छा मोट है इसके पास में, काफी अच्छा नेटवर्क है और काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में ये लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा स्टॉक मुझे लगता है। दोस्तों उसके बाद लास्ट मैं अपने स्टॉक की बात करूँगा और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ काफ़ी करेक्ट हो गया है, आपको पता है इंडिया की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कंपनी है ये, और इसको मैं यहाँ पर ऐड करने के लिए बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज प्रेजेंटली ये तो वैसे डाउनफॉल आया है लेकिन इसके अंदर में बहुत बड़ी अनलॉकिंग होनी बाकी है। अगर आप रिलायंस जियो की बात करेंगे, रिलायंस रिटेल की बात करेंगे, इसमें मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ रिलायंस जियो के बारे में बिकॉज इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आप देखिए छोटे शहरों में अभी भी अच्छी तरह से इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है और आगे चल के जियो फाइबर आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं, तो ऐसे केस के अंदर में बहुत बड़ा फ़ायदा जो है रिलायंस जियो को होने वाला है। और अब आप सिनेरियो देख लीजिए, कोरोना वायरस की वजह से पहली बार आपको लोगों को घर में बैठना पड़ा, जनता कर्फ्यू हुआ, तो हो सकता है ऐसी चांसेस और आए और लोगों को ऐसा फील होगा कि क्यों ना हम घर पर बैठ के जो है काम करें। वैसे ऑलरेडी ये चीज़ें काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में होती है लेकिन दोस्तों इसकी वजह से आप देखेंगे घर पे अगर लोग बैठते हैं तो वहाँ पर कंजम्पशन ऑफ द डेटा जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में फ़ायदा उन कंपनीज होगा जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर में। और लगातार रिलायंस जियो अपने इस तरह के बिजनेस को, अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को या फिर जिस तरह से कस्टमर को सर्विस कर रहा है उसके लिए लगातार काम करते जा रहा है। हाँ, रिलायंस के अंदर में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं लेकिन इस प्राइस पर, इस शेयर
शेयर को ऐड करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो अभी वो 1,017 रुपए पर अवेलेबल है, जो कि 1,500-1,650 वगैरह के आजू बाजू ये गया था, तो काफी डिस्काउंट पर ये आपको अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा शेयर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। दोस्तों जितनी भी कंपनीज मैंने आपको बताई, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे व्यूज, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप अपना एनालिसिस जरूर कर दीजिएगा। मैं बस चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हम अपना टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर्स का पूरा कर सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल के अंदर में तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोज के लिए मैं आता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।